एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, फिर मैं किस तरह आखस करो, किस तरह मैं अपने आप को बताओ। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल, और मैं उन आर्म्स को ऑलरेडी जानता हूँ, उन सब को, आर्म्स देट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, वो आर्म्स जो ब्रेसलेटेड है और वाइट और बेयर है, बिल्कुल नंगे है, बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, लेकिन जब उन पर लैम्प लाइट की रोशनी पड़ती है तो वो ब्राउन हेयर के साथ कवर होते हैं। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डिग्रेस। अब यहाँ पर प्रोफ्राक उस परफ्यूम की बात कर रहा है जो उस लेडीज के ड्रेसी से आ रही है उनको, और वो कहता है कि क्या यही है जो मुझे अपनी लव का इजहार करने से रोक रहा है। आर्म्स दैट लाई अलॉन्ग अ टेबल और रैप अबाउट अ शाल, वो आर्म्स जो टेबल पर पड़े होते हैं या शाल के अंदर रैप होते हैं, एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, और फिर मैं हंस करो, मुझे हंस करना चाहिए, एंड हाउ शुड आई बिगेन, मैं कहाँ से स्टार्ट करो, किस तरह स्टार्ट करो। दोस्तों यहाँ पर प्रोफ्राक जो है वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ है अपनी स्टेट के बारे में, वो इधर उधर की बातें कर रहा है, उनकी जो स्टेट है ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। शेलाई से आई हैव गॉन ए डस्ट फ्रॉम नैरो स्ट्रीट्स, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं उन नैरो स्ट्रीट से आके शाम के वक्त यहाँ आ चुका हो, एंड वाइज द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स, और उस स्मोक को भी देख चुका हो जो कि सिगरेट के पाइप से उड़ रहा था। अ लोनली मैन इन शॉर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, वो अकेले लोग जो कि स्लीव्स शर्ट में थे उन विंडो से लीनिंग करते हुए जिनके हाथों में पाइप्स थी सिगरेट की। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेड क्लास, मेरे पास रेड क्लास के पेयर होने चाहिए थे। स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, स्कटलिंग मीन्स रन हरीडली, ताकि मैं वो साइलेंट सीज के ऊपर तेजी से भाग जाता, यानी कि रेजेड मीन्स जिनकी सरफेस रफ हो, उन रफ क्लास के साथ मैं स्कटलिंग करता और उस साइलेंट सीज के फ्लोर के ऊपर भाग जाता। द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली स्मूथ बाई लॉन्ग फिंगर्स, और पेर ऑफ आफ्टरनून और इवनिंग के वक्त मैं पीसफुली सो जाता, स्मूथ बाई लॉन्ग फिंगर्स, स्लीप सो जाता, टायर्ड थका हुआ, आर इट मेलिंगर्स, या मैं बीमारी का बहाना बनाता या मैं अपनी ख़राब तबीयत का बहाना बनाता कि इसलिए कि मैं टायर्ड हो या मेरी तबीयत आज खराब है बीमारी की वजह से और मैं सो जाता। ट्रेज ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर पड़े हुए, बिसाइड यू एंड मी, मेरे और आपके संग, शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसिस, क्या मैं टी और केक्स और आइसिस इन सब चीज़ें खाने के बाद पीने के बाद हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस, क्या मेरे अंदर इतना ताकत होगा कि जब मैं अपनी लव को एक्सप्रेस कर रहा होगा तो वो उस मोमेंट की जो क्राइसिस है उसको मैं बियर कर लो, कि जो कुछ होगा उसको मैं हैंडल करो। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, लेकिन अगरचे मैं रो चुका हो, हंग्री रह चुका हो, रो चुका हो और प्रेड भी कर चुका हो। दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बाल्ड, अगरचे मैं अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देख चुका हो, ब्राट इन अ पान अ प्लेट, और जिनको एक प्लेट में लाए गए थे। आई एम नो प्रॉफिट एंड हेयर नो ग्रेट मैटर, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ जो लोगों को उसके फ्यूचर बताओ, एंड हेयर नो ग्रेट मैटर, और ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लाइन नंबर 82 जॉन बैप्टिस्ट सेंट की तरफ रेफरेंस है, हु वाज बीहेडेड एंड हिज हेयर वाज सरोड इन अ प्लेट। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, फ्लिकर कमजोरी को कहते हैं, कि मैं अपनी कमजोरी का ग्रेटेस्ट मोमेंट भी देख चुका हो। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्नीकर, और मैं उस इटर्नल फोटमैन यानी कि सर्वेंट को भी देख चुका हूँ जो मेरे कोट को होल्ड करते हुए मुझ पर हंस रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर फोटमैन उसकी डेथ को सिंबलाइज कर रही है, कि मैं अपनी डेथ को भी देख चुका हूँ। एंड इन शॉर्ट आई वाज अफ्रेड, और फिर मुख्तसरन मैं बिल्कुल खौफजदा हो गया था उनको देख के। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, और किया ये भी समझने की बात रही होगी आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स द मर्मलेट द टी। दोस्तों यहाँ पर मर्मलेट सी क्रीचर्स को कहते हैं जिनका हेड औरतों का होता है लेकिन इसका जो लोअर पार्ट्स होते हैं वो फिश की तरह होता है। एमंग द पोर्सेलियन एमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये भी समझने की बात रही होगी, टू हैव बीटन ऑफ द मैटर विद द स्माइल, कि मैं एक स्माइल के साथ ही उस बात को इंट्रोड्यूस करता, यानी कि मैं एक स्माइल के साथ ही अपनी ब्लाउट को अपनी लव के एक्सप्रेशन दिखाता, टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इन टू अ बॉल, और इस पूरे यूनिवर्स को एक बाल में स्क्वीज करता, प्रेस करता, टू रोल इट टूवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और फिर उसको आपकी तरफ एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन के साथ रगड़ता। हियर द ओवरवेलमिंग क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हिज एक्सप्रेशन ऑफ लव टू हिज बिलोव्ड, टू से आई एम लजारस कम फ्रॉम द डेड, और ये कहता कि मैं तो लजारस हो जो कि मरे हुए ज़मीन से आया हो। तो लजारस वो बंदा था हुआ रेज्ड बाय जीसस फ्रॉम टॉम्ब,
तो यहाँ पर बिब्लिकल रेफरेंस की तरफ वो इशारा दे रहा है, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शिल टेल यू ऑल, तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए, ये सब कुछ बताने के लिए, इफ वन सेटलिंग अ पिलो बाई हर हेयर, और फिर अगर वो उस पिलो को अपने सर के नीचे रखते हुए शुड से ये कहती, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, ये तो मेरा मतलब नहीं था, यानी कि शादी का मतलब तो मेरा था ही नहीं, जो आपने इजहार किया है ये बेकार की है, दिस इज़ नॉट इट एट ऑल, ये तो बिल्कुल इसी तरह नहीं है, मैंने तो आपसे मोहब्बत की ही नहीं है, अगर वो ये कहती तो फिर मैं क्या करता। यानी कि फ्रोफ्राक इज कन्फ्यूज्ड हियर अबाउट हर बिलोड रिएक्शन, एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, और जब शाम के वक्त डिफरेंट स्ट्रीट्स पर सोशल गैदरिंग के बाद हो, After the novels, after the teacups, after the skits that trail along the floor, novel पढ़ने के बाद, teacups पीने के बाद और डांस करने के बाद, skits यहाँ पर औरतों के जो लंबे लिबास होते हैं जो कि टच कर रहे होते हैं फ्लोर्स को, उसको कहते हैं, and this and so much more, और ये और भी बहुत कुछ, it is impossible to say just what I mean, ये बिल्कुल नामुमकिन ही है कि जो कुछ मैं कहने वाला हो उसको मैं कह सकूँ, यानी कि मैं अपने लव की एक्सप्रेशन करूँ ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट एज इफ अ मैजिक लैंटर्न थ्रो द नरुद्दीन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी फीलिंग्स और इमोशंस को एक मैजिक लैंटर्न के थ्रो एक स्क्रीन पर दिखा दे, जिस तरह एक एक्सरे मशीन होता है विच कैन रिवील द इमेज ऑफ थिंग्स लाइंग हिडन इनसाइड द बॉडी, इसी तरह वो भी मेरे फीलिंग्स और इमोशंस को उस स्क्रीन पर दिखा दे, अपनी बिलावट को, उससे कितना प्यार करता हो मैं, उसको कितना चाहता हो। Would it have been worthwhile if one settling a pillow or throwing off a shawl and turning toward the window should say that is not it at all? फिर अगर वो अपने शाल को फेंकते हुए उस पिलो पर अपना सर रखती और खिड़की से पीछे मुड़कर ये कहती, मेरा तो यही मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हो, that is not what I meant at all. No, I'm not Prince Hamlet, nor was meant to be. नहीं, मैं कोई प्रिंस हेमलेट नहीं हो, ना ही मेरा मतलब द प्रिंस हेमलेट बनने का। प्रिंस हेमलेट यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की प्ले हेमलेट की तरफ रेफरेंस है। एम एन अटेंडेंट लॉर्ड वन दैट विल डो, मैं एक अटेंडेंट लॉर्ड हो जो के करेगा टू स्वेल अ प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन अ टो, कि वो स्टार्ट करे प्रोग्रेस करे किसी दो या तीन सीन के अंदर आ जाए, मीन्स के ये जो रेफरेंस है वो यहाँ पर वो गोस्ट की तरफ रेफरेंस दे रहा है जो हेमलेट प्ले के अंदर प्रिंस हेमलेट को एडवाइस दे रहा है रिवेंज लेने के लिए। एडवाइस द प्रिंस नो डाउट एंड इजी टोल, कि मैं उस प्रिंस को एडवाइस दो, अब मुझे कोई शौक नहीं कि मैं एक इजी टोल हो, डिफरेंशियल मुझे आसानी से फर्क किया जा सकता है, ग्लेड टू बी ऑफ यूज, मुझे खुशी होगी अगर मैं इस्तेमाल हो जाओ, पॉलिटिक कैशियस एंड मेटिकुलस, मैं मुख्तात बरीबीन भी हो, फुल ऑफ हाई सेंटेंस, और मेरे अंदर तकरीर की सलाहियत भी है, बट अ बिट ऑब्टूस, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टूपिड भी हो, एट टाइम्स इनडीड आलमोस्ट रिटिकुलस, और कभी कभी तो मैं बिल्कुल रिटिकुलस बन जाता हो, आलमोस्ट एट टाइम्स द फॉल, और कभी कभी बेवकूफ़ भी, आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा होता जा रहा हो, आई शेल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, शेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो क्या मैं अपने बालों को पीछे की तरफ मोड़ो, डू आई डेयर टू ईट पीच, क्या मैं पीच खाने की हिम्मत करो, आई शेल वियर वाइट फ्लैनल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच, मैं वाइट फ्लैनल ट्राउजर को पहनूंगा और बीच में जाकर वॉक करूंगा, आई हैव हर्ड द मेरमेड सिंगिंग इट टू ईच, मैं मेरमेड्स को गाते हुए सुन चुका हूँ, मेरमेड जो कि सी क्रीचर्स है एक दूसरे के साथ, I do not think they will sing to me. मेरा नहीं ख्याल है कि वो मुझसे बात करेंगे, वो मेरे लिए गाएंगे, क्योंकि he is not a brave and adventurous like you silly Caesar. He is timid and cowardly, and that is why mermaid will never sing to him. I have seen them riding seaward on the waves, और मैं उनको देख चुका हूँ seaward के ऊपर riding करते हुए उन waves के साथ, combing the wide hair of the waves blown back, अब यहाँ पर wide hair foam की तरफ रेफरेंस दे रहा है, when the wind blows the water white and black, और जब हवा जाती है तो वो उस foam को एक तरफ और दूसरे तरफ लेके जाती है, जिन जगह पर वो foam ऊपर आती है तो वो सफ़ेद दिखाई देती है और जहाँ से वो हटती है तो वहाँ पर ब्लैक वाटर दिखाई देता है, we have lingered in the chambers of the sea, और हम वहाँ पर रह चुके हैं, lingered means stayed in the chambers of the sea, बट सी गर्ल्स यानी कि जो मेरमेड्स थे
रीच डो वो गर्लैंडेड थे विथ सी वीड रेड एंड ब्राउन, उन सी वीड के साथ जो कि रेड और ब्राउन थे, टिल ह्यूमन वॉइसेस वेकस एंड वी ड्रॉन, कि जब तक ह्यूमन वॉइसेस ने हमें जगाना दिया और हम डूब गए. मीन दैट प्रोफ्राक इज अवेकन फ्रॉम हिज डेड ड्रीमिंग व्हेन ही हियर्स द ह्यूमन वॉइसेस अराउंड हिम, ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड.